नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवान्या ठाकुर। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पाल धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर के नेतृत्व में धनगर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तहसीलदार पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बार बार शासनादेश जारी होने के बाद भी तहसीलदार द्वारा उनके समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के कलेक्टर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर पाल धनकर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनकर के नेतृत्व में करीब एक सैकड़ा धनकर समाज के लोग धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनकर ने आरोप लगाते हुए कहा, बार बार शासनादेश जारी होने के बाद भी तहसीलदार द्वारा उनके समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तहसीलदार पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। जेपी धनकर ने कहा, जब तक जिलाधिकारी महोदय तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उनके समाज को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं मिल जाते, तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। जेपी धनकर ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। किस संदर्भ में धरना दे रहे हैं आप लोग? आज ये धरना इसलिए दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2013, 16/12/2016, 30 जून 2017, 26 सितंबर 2017, 11 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2017 तथा 8 फरवरी 2018 तथा अभी 24 जनवरी 2019 को धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का बिल्कुल क्लियर शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी तहसीलदार धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे और ये कह दिया है जिसका बाबा का बना है, पिता का बना है, उसका उसके बच्चे का भी नहीं बना रहे, क्या वो दूसरी जाति का होगा? और ये और कह दिया है कि मैं तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। ये तहसीलदार ने 2 फरवरी को अभी ये धमकी दी है ये चैलेंज के साथ। तो आज हम बैठे कि जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे उस तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये धरना जारी कर रखेंगे, शाम को इसको भूख हड़ताल में तब्दील कर देंगे, यही बैठे रहेंगे। इसलिए कब तक बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन जब तक जारी नहीं होगा। पूरे प्रदेश में कल से शुरू करा दूंगा।